तो दोस्तों आज है आषाढ़ी बीज और दोस्तों आप सभी को आषाढ़ी बीज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज के दिन रणुजा वाले बाबा रामदेव पीर की आज के दिन बीज है, तो आप सभी को जय बाबा री पूरे दिल से। तो दोस्तों मेरा नाम है शैलेश और दोस्तों हम आज बात करने वाले कि दोस्तों हमारे अंकल के घर एक बाबा रामदेव का मंदिर है, तो दोस्तों हमने आज सुबह वहाँ पे ध्वजारोहण किया है, जिसको दोस्तों हम नेजा चढ़ाना भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ध्वजारोहण देखेंगे और हम इस ब्लॉग में बाबा रामदेव जी के दर्शन करेंगे। जय बाबा री। तो फ्रेंड्स अभी हम आ गए भाई के घर और दोस्तों आप देख सकते हैं भाई जो है कुमकुम से पूजन कर रहा है। तो ध्वजा से पूजन होने के बाद दोस्तों आगे हम देखेंगे। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं ये पूजन हो रहा है और दोस्तों इसमें 9 कलर की अलग अलग ध्वजाएँ हैं। आप देख रहे दोस्तों इसमें अलग अलग 9 ध्वजाएँ हैं और दोस्तों भाई के बाद अब जो भाभी भी है वो भी ध्वजा का पूजन करेगी, तो वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों ये आपकी भाभी भी आ गई है पूजन करने के लिए। तो दोस्तों इस तरह से बारीक बारीक से सभी लोग जो है पूजन करेंगे। तो दोस्तों अभी ये पूजन कर रहे हैं और दोस्तों आगे मैं आपको बताता हूँ। ये दोस्तों देखे पे ये भाई है वो ध्वजा को ऐसे बांध रहा है, पाइप से बांध रहा है, तो उसको ऊपर चढ़ाने के लिए। तो यह अभी जो भाई है फूलहार चढ़ा रहा है ऊपर बांधेगा। और दोस्तों यहाँ पे हमारे मौसी ने भी पूजन विधि जो कर लिया है, देखो अब ये भाई चले मंदिर की ओर। तो आइए हम आगे का नज़ारा भी देखेंगे, मंदिर का दृश्य अंदर की ओर। तो दोस्तों ये है वो मंदिर बाबा रामदेव जी का। दोस्तों वीडियो में आगे मैं पूरा मंदिर आपको दिखाऊंगा अंदर की तरफ का, तो अभी आनंद लीजिए। और दोस्तों कमेंट में जय बाबा री जरूर लिखना। और ये और एक ध्वजा लेकर आए, दूसरी ध्वजा जिस पे दोस्तों बाबा रामदेव की प्रतिमा है फोटो से देखिए दोस्तों। तो इसको भी दोस्तों हमें पूजन करके करना है, तो उसका भी पूजन होगा। और ये ध्वजा जो है दोस्तों हमने यहाँ पे अभी रख देंगे साइड पे मंदिर के साइड पे। और ये ध्वजा दूसरी ध्वजा है उसको दोस्तों हम उसका भी पूजन विधि करना है। तो अब दोस्तों यहाँ पे इस दूसरी ध्वजा का भी पूजन कर लेते हैं हम। ये हमारी बुआ है और ये भी अभी पूजन करने आई है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कुमकुम से कुमकुम तिलक कर रहे हैं, बाबा रामदेव पीर को पूजा विधि कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप कि संजय भाई है मंदिर में फूलहार लगा रहे हैं शोभा बढ़ाने के लिए। और ये दोस्तों भाभी जी है और ये भाई का लड़का है। ये जो दोस्तों लड़का है अभी वो भी पूजन कर रहा है, मम्मी से उसकी मम्मी सिखा रही है, मतलब भाभी हमारी। तो दोस्तों ये जो इसका नाम भी रामू रखा है दोस्तों बाबा रामदेव के नाम से, कि दोस्तों ये बाबा रामदेव की मन्नत से मिला है, मन्नत से आया है, तो दोस्तों इसका नाम यार से रामा रखा है। और दोस्तों इसका नाम है प्रिंस। और दोस्तों भाई ने यहाँ प्रसाद की थाली दे दी है, तो सबको प्रसाद बांटा जा रहा है।
और दोस्तों आपको बता दूं कि जो मंदिर में जो पूजन विधि है और आरती है वो सब सुबह में हो गया था। तो दोस्तों ये है वो मंदिर, अंदर की तरफ जगमगा रही है लाइटें और जो ये फोटोज है प्रतिमा है बाबा रामदेव पीर की, और ऊपर की तरफ आपको दिखा दूँ दोस्तों तो और एक फ़ोटो है बाबा रामदेव पीर की, साइड में घड़ी लगी हुई है, और नीचे दोस्तों एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है हमारी देवी माता का, चामुंडा माता का है दोस्तों आप देख सके, और इसके नीचे साइड में एक बाबा रामदेव पीर की फ़ोटो है, ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ श्री रामदेव पीर फोटो प्रतिष्ठा दिवस, यह दोस्तों इसकी प्रतिष्ठा दिवस दिन के लिए है, तो यहाँ पे इसकी फ़ोटो भी तख्ती के साथ बनाई हुई है ये। तो दोस्तों रात को भी भजन कीर्तन भी था, तो अभी मैंने वो वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि दोस्तों मेरे पास क्या है कि स्पेस नहीं था, तो मैंने वो वीडियो शूट नहीं किया, सिर्फ अभी का ही शूट कर रहा हूँ। तो अब सभी तैयारी हो चुकी है दोस्तों, हमारे पास ये प्रसाद भी आ गया, तो मैंने भी प्रसाद ले लिया है और लगभग सारी तैयारी हो चुकी है, ये दूसरी दजा भी तैयार हो चुकी है। अब दोस्तों इसको दोनों को एक साथ हम ऊपर ले जाएंगे, तो भाई जो है दजा को यहाँ पे साथ में खड़ी कर रहे हैं, और ये भाई संजय भाई ने भी दजा ले ली है और वो आगे भी एक भाई लेके चला है, तो हम जाएंगे घर के ऊपर बाहर की तरफ जा रहे हैं दोस्तों, और यह हम चल पड़े हैं ऊपर की तरफ, सीढ़ियों से जाएंगे उस तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों वो पीछे भाई थाले लेके जा रहा है और आगे भी दजा लेके जा रहा है, तो अभी आपको बता दूं वो कब ऊपर की तरफ जा चल रहे हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ भाई जो है ध्वजा जहाँ पे लगाने उस जगह का भूमि पूजन कर रहा है दोस्तों, तो अभी हम चलेंगे ऊपर की ओर और देखेंगे ऊपर का नज़ारा। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं ऊपर और जाते हैं भाई के पास जहाँ पे ध्वजा लगा रहे हैं और पूजन विधि हो रहा है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे भाई जो है पूजन विधि कर रहा है, कुमकुम तिलक कर रहा है, वो कुमकुम को तिलक कर रहा है दोस्तों, ये देखिए, और ये अभी देख सकते हैं सामने जो संजय भाई और उसके सामने दोस्तों भरत सिंह बापू है, वो एक दूसरे का आदर सम्मान कर रहे हैं, कुमकुम तिलक कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब सारी विधि पूरी हो गए दोस्तों, ध्वजा भी लग गई है, और हम दोस्तों आगे का नज़ारा दिखाते हैं आपको। ये तो कार्यक्रम पूरा हुआ दोस्तों, पर आगे का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे हमारे गांव में, ये देखिए दोस्तों चारों तरफ का नज़ारा। संजय भाई दोस्तों हम सबको जय बाबारी कह रहे हैं, तो सभी लोग आपको हमसे विदाई ले रहे हैं, और यहाँ से हमारा कार्यक्रम पूरा हो रहा है, तो सबको जय बाबारी दोस्तों। ये हमारे गाँव का टावर है, हरसिद्धि माता का टावर, सामने हरसिद्धि माता का मंदिर है दोस्तों, बहुत बड़ा है, कभी टाइम मिले तो दिखाऊंगा यार। तो ये आप तो पास से देख सकते हो, जूम करके आप दिखा रहा हो, बहुत बड़ा है, फेमस है ये, इसमें घड़ी में टाइम दिखा रहा है दोस्तों, और इस पास में हॉल है जो बाहर से यात्री आ रहे हैं उनको यहाँ पे रहते हैं, और ये हरसिद्धि माता का मंदिर है दोस्तों, और ये मैं हूँ दोस्तों। तो
सबको जय बाबारी मेरी तरफ से। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ये दोस्तों ब्लॉग को शेयर करें और दोस्तों सपोर्ट करना, क्योंकि ये मेरा पहला ब्लॉग है दोस्तों, तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है तो ऐसे ही बना दिया है, पर सोच रहा हूँ कि आगे भी ऐसा वीडियो ब्लॉग बनाओ अच्छे से अच्छा। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय बाबारी। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में। तो दोस्तों भगवान जगन्नाथ और बाबा रामदेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, ऐसी मेरे दिल से अंतर से शुभकामना है। जय बाबारी, जय द्वारकाधीश, जय जगन्नाथ।